चीज खो चुके थे जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते थे। सब कुछ वैसा हो सकता है। क्यों अचानक से इंडियन माइथोलॉजी में ऑडियंस का इंटरेस्ट आने लगा है? कौन कौन से फैक्टर्स इसमें कंट्रीब्यूट किए दिखाए जाने वाले हैं? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि अगली बार जब भी हम आपके पसंदीदा स्टार्स की फिल्मों के बारे में कोई भी अपडेट डालें तो आप उसे सबसे पहले जान पाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आप सबका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। दोस्तों, आपने बॉलीवुड ट्रेंड्स को मार्क किया है हाल ही में? आजकल बहुत सारे माइथोलॉजिकल शोज और फिल्म्स आने लगी हैं। एक वक्त था जब बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स अपनी फिल्म्स में एग्जिस्टिंग या प्री एग्जिस्टिंग लोगों की बायोग्राफीज को दिखाना चाहते थे। रीजन, बायोपिक्स में काम करना बॉलीवुड एक्टर्स के लिए ही नहीं बल्कि हॉलीवुड एक्टर्स के लिए भी एक इजी अवार्ड फेचिंग चांस था। ये ट्रेंड शुरू हुआ स्लाइटली अजय देवगन की भगत सिंह से, जो कि उनके करियर की सबसे अच्छी परफॉर्मेंसेस में से एक मानी जाती है। फिर राजकुमार राव की शहीद और इरफान खान की पान सिंह तोमर जैसी परफॉर्मेंसेस ने दोनों एक्टर्स को नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर दिलाया था। दोनों एक्टर्स बाद में बड़े स्टार्स बन गए और कई और एक्टर्स के लिए इंस्पिरेशन भी बने। लेकिन बायोपिक्स में फोर्स तब आने लगा जब 2013 में भाग मिल्खा भाग रिलीज हुई और फरहान अख्तर ने अपने करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस दी। फिर 2015 में एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी भी सबसे बेहतरीन बायोपिक्स में से एक मानी जाती है, जिसने सुशांत सिंह के करियर को बना दिया था। फिर दीपिका पादुकोण, कंगना रनौत, ऋतिक रोशन जैसे कई स्टार्स भी बायोपिक्स के ट्रेंड को फॉलो करने लगे। दीपिका की छपाक के साथ एक्सपेरिमेंट इतना सफल नहीं था, लेकिन ऋतिक की सुपर 30 वाला एक्सपेरिमेंट बहुत कामयाब रहा और कंगना का थलाइवी और तेजस एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट देखना अभी बाकी है। अभी न्यूएस्ट ट्रेंड जो कम से कम 3 साल तक चलने वाला है वो है माइथोलॉजिकल शोज और फिल्म्स का ट्रेंड। लॉकडाउन के बीच जब लोग घर में बैठे रहते थे तब सभी लोगों ने गवर्नमेंट से मांग की रामायण और महाभारत को टीवी पर वापस लाने के लिए डीडी नेशनल पर। उसके बाद सारे प्राइवेट चैनल्स भी अपने माइथोलॉजिकल शोज फिर से दिखाने लगे और महाभारत और राधा कृष्ण स्टार प्लस पर और देवो के देव महादेव लाइफ ओके पर फिर से एयर होने लगा। लॉकडाउन के बीच टीवी पर सिर्फ माइथोलॉजिकल शोज ही ट्रेंड नहीं कर रहे थे बल्कि कई और पुराने टीवी शोज भी एयर हो रहे थे, जिससे फिल्म मेकर्स को ये मैसेज मिला कि लोग आखिर में एक ही चीज को पकड़ के रखते हैं, अपने इतिहास और संस्कृति को। कई कॉमेडी शोज जैसे कि भाभी जी घर पर हैं, श्रीमती श्रीमती भी पॉपुलर हुए, मगर इन माइथोलॉजिकल शोज जैसे नहीं। इसके बाद अभी फिल्म मेकर्स कई सारे माइथोलॉजिकल शोज और फिल्म्स में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जिसमें से कुछ ओम राउत की आदि पुरुष, प्रभास की राधे श्याम, नितेश तिवारी की रामायण और एक और प्रोजेक्ट सीता, राकेश ओम प्रकाश मेहरा की कर्ण, कुणाल कोहली का शो रामयुग और टीवी शोज राधा कृष्ण और वेब सीरीज द लेजेंड्स ऑफ हनुमान है। आपको क्या लगता है कि ये ट्रेंड एक जरूरी ट्रेंड है या नहीं ऑडियंस के लिए? आप हमें अपने कमेंट्स जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की स्क्रिप्ट लिखी है साई श्रेष्ठ दास ने।